हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट के बारे में। तो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट बेसिकली कंजेनाइटल एक अनोमली के तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो इट प्रेजेंट्स एज अ सिस्टिक मिडलाइन स्वेलिंग। ये सिस्टिक मिडलाइन स्वेलिंग होती है, तो एक सिस्ट है। तो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट देख रहे हो तो मिडलाइन में कोई स्वेलिंग होगी थायरॉयड, क्योंकि मिडलाइन में होता है, यूजुअली अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो यंग चिल्ड्रन में क्योंकि कंजेनाइटल होता है, बट कैन ऑकर एट एनी एज, ये कैन ऑकर एट एनी एज हो सकता है, ठीक है ना। इट इज़ यूजली राउंडेड विद अ डायमीटर ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। ये राउंडेड होता है, डायमीटर इसका 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। इट इंक्रीजेज इन साइज विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी बंदे को URTI हो गया तो उस बंदे को लकी इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। समटाइम्स इट्स प्रेजेंट एज ड्रेनिंग साइनस। ये ड्रेनिंग साइनस की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। इफेक्ट एज अ बर्स्ट ड्यू टू इन्फेक्शन और हैज बीन सर्जिकली ड्रेन्ड। अगर ये ड्रेनिंग साइनस की तरह कब प्रेजेंट कर सकता है, जब ये बस्ट कर जाए थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट, मतलब ठीक है बस्ट कर जाए, और या फिर भी ये सर्जिकली ड्रेन्ड हो गया हो, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट टू फोरामेन सीकम, इसके अटैचमेंट के कारण से थायरोग्लॉसल डक्ट के फोरामेन सीकम के अटैचमेंट के कारण से एट द बेस ऑफ टंग इट मूव विद ट्रंक प्रोट्रूजन। ये कैसा चलेगा, ये मूव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फोरामेन सीकम से थायरोग्लॉसल डक्ट से कनेक्टेड है, और वो भी बेस ऑफ टंग पे। तो ये टंग के प्रोड्यूशन से मूव करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट थायरॉयड इलाज, ये डेवलपमेंट के दौरान जो है थायरॉयड इलाज करेगा। स्टार्ट्स फ्रॉम फोरामेन सीकम, ये फोरामेन सीकम से स्टार्ट करेगा, पासेस थ्रू द बेस ऑफ टंग, ठीक है ना। फोरामेन सीकम से स्टार्ट करेगा और पास करेगा बेस ऑफ टंग से, एंड देन डिसेंड्स इन फ्रंट बिहाइंड और थ्रू द हायड बोन टू फॉर्म द थायरॉयड ग्लैंड। और ये डिसेंड करेगा पहले आगे, फिर बिहाइंड, थ्रू द हायड बोन, ठीक है ना। थ्रू द हायड बोन ये डिसेंड करेगा। बेसिकली इतना याद रखो कि डिसेंड इन फ्रंट बिहाइंड और थ्रू, मतलब कि हायड बोन के आगे पीछे या उसी के थ्रू ये डिसेंड करेगा, तो फॉर्म द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना। ये तभी फॉर्म करेगा थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना। थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट कैन कॉज एनी वेयर इन द कोर्स ऑफ थायरॉयड डक्ट। तो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट जो होता है किसी भी कहीं भी हो सकता है ये कोर्स ऑफ थायरॉयड डक्ट के। इट मे कंटेन ओनली फंक्शनल थायरॉयड टिश्यू इन द बॉडी। ये ओनली फंक्शनल थायरॉयड टिश्यू इन द बॉडी कंटेन कर सकता है। CT MRI नेक शुड ऑलवेज बी डन टू फाइंड ऑर्थोप्टिक नॉर्मल पोजीशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो ऑर्थोप्टिक पोजीशन CT स्कैन या MRI हम लोग देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन सही है कि नहीं। रेयरली कार्सिनोमा डेवलप्स इन द सिस्ट। बहुत ही रेयर केसेस में कार्सिनोमा जो है डेवलप कर जाता है सिस्ट में। तो एग्जामिनेशन ऑफ ओरोफेरिंग्स बेस ऑफ टंग एंड वेलिकुला, तो इसमें एग्जामिनेशन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ ओरोफेरिंग्स बेस ऑफ टंग एंड वेलिकुला का। तो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी देखते हैं, लुक फॉर कलर म्यूकोसा, नॉर्मल कंजेस्टेड प्रोमिनेंट फेस एंड वेरोकोसिटी, ठीक है। ओरोफेरिंग्स को, बेस ऑफ टंग को, वेलिकुला को हम लोग को देखने की कोशिश करनी है। हम लोगों को क्या दिखता है, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी लुक फॉर कलर ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा कलर देखेंगे नॉर्मल और कंजेस्टेड है, ये प्रोमिनेंट वेन्स है या वेरोकोसिटीज है, तो ये सब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एट द बेस ऑफ टंग और लिंगुअल थायराइड, अल्सरेशन, मैलिग्नेंसी, ट्यूबरक्लोसिस, सॉलिड स्वेलिंग, लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल थायराइड, लिम्फोमा, कार्सिनोमा, बेस ऑफ टंग, सिस्टिक स्वेलिंग, थायराइड, ये सब दिख सकता है, ठीक है। बेस ऑफ टंग पे क्या क्या दिखेगा, लिंगुअल थायराइड दिख सकता है, अल्सरेशन के साथ साथ होगा, सॉलिड स्वेलिंग जो कि हो सकते हैं, सिस्टिक स्वेलिंग के साथ ये प्रेजेंट कर सकता है, थायराइड सिस्टिक स्वेलिंग के साथ दिखेगा। डिफरेंशियल में लिंगुअल थायराइड हो सकता है, इट मे बी ओनली थायराइड टिश्यू और भी प्रेजेंट इन एडिशन टू नॉर्मल थायराइड और एक्टोपिक थायराइड, ठीक है ना। ओनली थायराइड टिश्यू और भी प्रेजेंट इन एडिशन टू नॉर्मल थायरॉयड और एक्टोपिक थायरॉयड, नॉर्मल थायरॉयड और एक्टोपिक थायरॉयड की तरह ही प्रेजेंट कर सकता है। थायरॉयड सिस्ट क्या होता है, अबाउट 1/4 ऑफ द थायरॉयड नोड्यूल प्रेजेंट एज सिस्ट। ये 1/4 जो है थायरॉयड नोड्यूल ये प्रेजेंट कर सकते हैं सिस्ट की तरह, और सिस्टिक कंपोनेंट इन नोड्यूल, ठीक है ना, सिस्ट की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, या सिस्टिक कंपोनेंट हो सकता है नोड्यूल में ही। इट मे बी सिंपल थायरॉयड सिस्ट, हेमरेज इन कोलाइडल नोड्यूल, पैपिलरी कार्सिनोमा विद सिस्टिक चेंज, पैराथायरॉयड सिस्ट और थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट जो कि कॉलमनर सेल्स होता है स्पिरिट में, ठीक है। क्या क्या होता है, ये सिंपल थायराइड सिस्ट हो सकता है, SHPPT, ठीक है ना, SH की PPT आ रही है, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सिंपल थायराइड सिस्ट, हेमरेज हो गया बंदे को, ये हो गया पैपिलरी कार्सिनोमा, और ये हो गया पैराथायराइड, और ये हो गया तो आपका थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट, ठीक है ना, कॉलमनर सेल इन स्पिरिट, थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। थायरोग्लॉसल सिस्ट जो है एस्पिरेट कर सकता है ब्राउन फ्लूइड, सिंपल थायराइड सिस्ट, सिस्टिंग कंपोनेंट कोलाइड नोड्यूल, ब्लडी पैपिलरी कार्सिनोमा, क्लियर इन कलरनेस, कॉलमनर सेल इन एस्पिरेट, ये याद रखना है बस अपने को, ये कॉलमनर सेल्स इन एस्पिरेट मिलते हैं यहाँ पे थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट में।
TGDC थायरोग्लॉसल डक्ट से ट्रीटमेंट क्या है, इट इज़ कंप्लीट सर्जिकल रिसेक्शन, सिस्ट्रंक ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन करते हैं, सिंपल एक्सीजन ऑफ सिस्ट विदाउट रिमूवल ऑफ इट ट्रैक लीड्स टू रिकरेंस। अगर सिंपल एक्सीजन ऑफ सिस्ट किया विदाउट रिमूवल, अगर ट्रैक को छोड़ दिया हमने तो रिकरेंस हो सकता है इसमें। एक्सीजन ऑफ सिस्ट इंक्लूडिंग विद द बॉडी ऑफ हायर्ड बोन इन केस ऑफ टंग टिश्यू इन एंड कोर ऑफ टंग टिश्यू अराउंड द ट्रैक इन द सुप्रा हायड टंग बेस टू फोरामेन सीकम। सिस्ट्रंक ऑपरेशन बेसिकली क्या है कि एक्सीजन ऑफ सिस्ट कर देंगे किसका, इंक्लूडिंग द बॉडी ऑफ हायड बोन, थोड़ा सा बॉडी ऑफ हायड बोन भी ले लेंगे, कोर ऑफ टंग भी ले लेंगे अराउंड द नेक, ट्रैक्ट इन द सुप्रा हायड बेस टंग टू द फोरामेन सीकम। मतलब पुराने फोरामेन सीकम जितना भी पूरा ट्रैक्ट है मैंने जो डिस्क्राइब किया कि आगे पीछे बिहाइंड थ्रू द हायड फोरामेन वो सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, सिस्ट्रंक ऑपरेशन राइट। तो ये बात रही आपकी थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट की, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।